वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बेहद ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जुगनू शर्मा है। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप पंजाबी में देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल फार्मिंग बाबा पंजाब सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन ऑल कर दें। तो जैसा कि हम रोज़ वीडियो शूट करते हैं और चैनल पर डाल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी गिनती में जो कमेंट आते हैं कि भाई ये बकरी बूढ़ी है, या फिर हमें किस तरह से पहचान हो कि ये बकरी बूढ़ी है या जवान है। और एक ये भी बात कि कई किसान भाई जो कि अपनी बकरियों का दूध होता है, जो जैसे बड़ी मात्रा में बताते हैं कि 7 लीटर 8 लीटर दूध वाली है, और उसका हम कैसे पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा भाई, हम जैसे कि कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो कम ब्यांत बोलकर बकरी जो है बूढ़ी भी बेचने की कोशिश करते हैं, और इन चीज़ों से हम कैसे सावधानियां रख सकते हैं। हमारे साथ आज स्पेशल जो तौर पर बलविंदर सिंह मान, जो कि तुंगवाली बकरा मंडी के सरप्रस्त हैं, वो मौजूद हैं। काफ़ी लंबा तजुर्बा है जो इन्हें बकरी पालन का। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो किसी भी प्रकार की होने वाली ठगी से बच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, किसान भाई बलविंदर सिंह मान हमारे साथ मौजूद हैं। बलविंदर जी, एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग बाबा चैनल में आपका। वीर जी, फार्मिंग बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बार फिर चल के हमारे फार्म पर आए, स्पेशल जुगनू शर्मा जी का, जो हर बार हमारे फार्म पर आते हैं तो हमें कुछ जानकारी दे के जाते हैं, कुछ जानकारी लोगों के लिए इकट्ठी करके लेके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो नई नई जानकारी लोगों को देते हैं, नए नए फार्म बनाने वाले की वो मदद करती है जानकारी। शुक्रिया मान साहब प्यार देने के लिए। मान साहब, हमारे सब्सक्राइबर हैं जो किसान भाई, वो लगातार ये पूछ रहे हैं हमें कि भाई दांत एक तो हमें बताया करो, और कई किसान भाई जो बोल देते हैं कि भाई इसकी उम्र इतनी है, तो हम कम उम्र वाली कैसे बकरी पहचान सकते हैं, कितने दांत पे पता चलेगा कि इतनी उम्र हो चुकी है इसकी। जरा जो भाई साहब, दो दांत होती है वो 14 मंथ की दो दांत होती है, 18 मंथ में जाके वो 6 दांत कर जाती है, 4 दांत कर जाती है, तो उसके आगे 6 दांत होती है, फिर 8 दांत होती है। इसकी पहचान दांत देख के हम कर सकते हैं। जो कोई बकरी आपको देता है, जैसे मैं आपको पट दिखाता हूँ, ये पट की बहुत बढ़िया हाइट है, अभी तक क्रॉस नहीं कराई हमने, इसके 4 दांत है, आप देख सकते हो। जो दांत होते हैं, जो चौड़े वाले दांत है, बड़े वाले वो 4 है, ब्रीक वाले नाल छोटे दांत है, ठीक है। ऐसे पता चलता है जो चौड़े दांत है बीच में, वो उनको हम दांत मानते हैं, जो दूध वाले दांत होते हैं उनको हम दांत नहीं मानते, वो गिनती में नहीं आते। जो 2 दांत बिचाले वाले चौड़े आ, तो हम उसको दोंदी भी बोलते हैं, 2 दांत भी बोलते हैं। ये 4 दांत है तो उसको 4 दांत बोलते हैं। तो जैसे अभी ये 4 दांत पे हो गई है, तो इसकी अंदाजन उम्र कितनी हो गई होगी? इसकी 18 मंथ की उम्र है अभी। हाँ, तो आगे जाके जैसे कि अगर 2 दांत पे है, तो वो आपने बताया है ना कुछ, एक बार दोबारा से बता दें कितनी उम्र होगी उसकी 2 दांत पे? 2 दांत पे 14 मंथ की उम्र होती है। और खीरा जैसे कि बच्चा कब तक रहता है? वो जिमें 13 मंथ 13.5 मंथ 14 मंथ तक भी खीरा रहता है। 14 मंथ के बाद जाके कुछ बकरियां 13 मंथ में भी दांत घेर देती है, 2 दांत उठा लेती है, 13 और 14 मंथ में जाके वो 2 दांत होता है। अच्छा, तो भाई जैसे 8 दांत की बात करें है ना, तो वो कितनी उम्र मानी जाएगी? तकरीबन 2.5 साल के आसपास मानी जाएगी वो। तो उसमें जैसे कि बकरी पूरी उम्र की हो जाती है 8 दांत पे? हाँ जी, पूरी उम्र की हो जाती है, जिसको जवान बकरी बोलते हैं, पूरी जवान बकरी होती है वो। जो बूढ़ी बकरी होती है, कई 8 दांत पे जाने के बाद बोलते हैं यार ये तो 8 दांत होगी, ये तो बूढ़ी होगी, ऐसे नहीं होता। 8 दांत देखने पड़ते भी फ्रेश दांत है, नए दांत है 8, तब वो जवान है, ये दांत उसके घसे हुए हैं, उसको हम बूढ़ी बोलते हैं। तो कैसे पता चलेगा भाई वो दांत जैसे कि घसने लगेगी? कोई है यहाँ पर हम प्रैक्टिकल? हाँ, 1-2 बकरी देखेंगे हम कि जो हमें मान साहब बताएंगे कि ये बकरी जो है ये बूढ़ी होने वाली है, तो कैसे पता कर सकेंगे हम? तो ये देखिए, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं हम इसे, ये जो बकरी दिखाई भाई, नई बकरी है बिल्कुल, नए 8 दांत है इसके, नए 8 दांत है, देख सकते हो आप, ये नई बकरी है, देखने में देखो कितनी बड़ी बड़ी बकरी है ये जवान है अभी। कई भाई साहब यही देखते हैं भी 8 दांत होगी, शायद वो बूढ़ी होगी, बूढ़ी नहीं वो जवान होती है 8 दांत पे। जो बूढ़ी होती है उनके दांत घस जाते हैं, घसने के बाद वो बूढ़ी होती है।
तो आपके पास है फार्म में इस वक्त? मेरे पास इस वक्त तो फार्म में कोई भी ऐसी बकरी नहीं जो बुढ़ी हो, सारियां जवान बकरियां ने, कोई 4 दांत है, कोई 6 दांत है, कोई 8 दांत है, ऐसे ऐसे है। हाँ, तो एक की बात करें, इस बकरी की क्वालिटी देखो, इस पट की नाक देखो इसका, कितना अच्छा नाक है, क्वालिटी। हाँ बिल्कुल, जैसे प्योर है जो है ना, वो कैसे पहचानेगा बंदा? बिल्कुल प्योर है, इसका नाक देखो, ऐसे रोमन नाक होना चाहिए, सिंग दबे हुए होने चाहिए, कान लंबा तो चौड़ा होना चाहिए, यही इसकी पहचान होती है। ये प्योर बीटल में। लंबाई देखो, बेल इसकी, हाइट देखो कितनी है इसका, देखो हाइट अंदाजा कितनी होगी? 37 प्लस हाइट है इसकी, अभी 37 प्लस अभी हाइट है इसकी। और बलविंदर जी एक चीज और, कि कुछ किसान भाई हैं के जो कि कीमत बढ़ाने के चक्कर में है ना, बकरी का बोल देते हैं भाई इसका दूध 7-8 लीटर है, तो वो कैसे पता करेंगे भाई इतने दूध वाली है? पहले ये बताएं कि इतनी दूध वाली होती है बकरी अमूमन? नहीं सर, 8 लीटर वाली मैं तो नहीं देखी कोई, 7 लीटर तक लोग बोलते हैं भाई, 7 लीटर वाली बहुत सारे लोगों के पास है बकरी, ठीक है। मेरे पास जो अपने पास बकरी है वो 6.5 लीटर दूध तक की बकरी मेरे पास है। हाँ, दिखा सकोगे हमें कैसी है? बिल्कुल, तो ये डाउट भी क्लियर करेंगे, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि कुछ किसान हैं जो कि कीमत ज़्यादा वसूलने के चक्कर में उसे बोल देते हैं कि भाई ये 7 लीटर पे है और भाई ये इतने लीटर पे है, तो वो डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए काफ़ी शानदार क्वालिटी वाइज, और देखिए थन, देखिए कमाल के थन। तो मान साहब बताओ जरा इसके बारे में। ये बकरी यानी चौथे ब्यात की बकरी है, ये बहुत अच्छा दूध देती है, 6.5 लीटर दूध देती है ये बकरी। अभी तो ये काफ़ी टाइम हो गया इनको बच्चे दिए को, तोकड़ जिसको बोल देते हैं आप, इस ये अभी तो ऐसे है, पर ये बकरी दूध 6.5 लीटर दूध देती है। किसी भाई को तसल्ली करनी हो उसको अपने घर में ले जाके 4 दिन चो के देख सकता है। अच्छा, आप मतलब लाइव दिखा भी सकते हो उसे? हाँ जी, कोई अगर चैलेंज करता। हाँ जी, हाँ जी। तो एक चीज़ और बताएं, हाँ जी भाई, इसकी बनावट किस तरह से होनी चाहिए अगर ज़्यादा दूध लेना है? ज़्यादा दूध थन मोटा होना चाहिए, ये देखो, क्योंकि दूध तो थनों में खड़ेगा, जिसके थन ही पतले या गाजर जैसे या, वहाँ दूध कहाँ रुकेगा, वहाँ तो दूध ही नहीं रुकेगा। तो जैसे ये स्पेस गैप देख रहे हैं हम, कैप्सूल जैसा बना हुआ है, ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें बढ़िया आएगा दूध। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो ये देखिए, ये 6.5 लीटर पे दूध पे बताया, और साथ में दावा भी किया है कि अगर किसी भाई को डाउट है तो वो सामने डाउट क्लियर भी कर देंगे, तो डाउट की तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा तजुर्बा है इनके पास। और बिल्कुल देखिए, एक से एक बकरी काफ़ी शानदार। और बलविंदर जी एक चीज़ और हमें बताएं भाई। हाँ, ये देखिए काफ़ी टॉप क्वालिटी में, बढ़िया शानदार। एक और चीज़ क्लियर करो पाजी, हाँ दिखाओ दिखाओ। तो कुछ बकरियाँ शानदार हमें दिखा रहे हैं भाई, ये देखिए काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में, ये देखिए एकदम, हाँ थन देखिए, लेंथ देखो, हाँ लेंथ बिल्कुल। तो क्या डिटेल है पाजी? हाइट देखो, अभी 8 दांत हुई है बकरी ये, नाक वगैरह, कान वगैरह, कान देखो, कान की चौड़ाई देखो, लंबाई देखो कान की, बेल देखो कितनी बेल है इसकी, ते नीचे थन वगैरह, ये ब्याने वाली है अभी, हाँ। अभी ले जाएगी 15-20 दिन ब्याने में, तो ये एकदम परफेक्ट है दूध के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी बकरी है। तो पाजी एक और चीज़ थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करो भाई, कुछ किसान भाई ऐसा भी बोलते हैं भाई ये तो दूसरे ब्यांत पे है, ये तो तीसरे ब्यांत पे है, हालांकि काफ़ी दांत हो चुकी होती है, कर चुकी होती है ना बकरी, तो वो कैसे पता चल सकता है? सर ब्यांत का छेती छेती पता नहीं चलता, क्योंकि ब्यांत का क्यों नहीं पता चलता भी, कई लोग घर में बकरी पालते हैं, उसको बकरे के पास लेके नहीं आते, घर में खड़ी खड़ी 8 दांत हो जाती है, दांत घास जाते हैं, फिर किसी को बेचते हैं, उसके पास जाके तो पहली बार ही ब्याई जाएगी ना, वो ऐसे होता है कई बार। नहीं तो जो नए किसान भाई हैं जिन्होंने ब्यांत हासिल करने हैं, तो आपकी तरफ से क्या उन्हें सजेशन है भाई, कितने दांत पे लेना चाहिए? उसको दांत देखने चाहिए, 8 दांत हो, फ्रेश हो दांत, 8 हो, 6 हो, 4 हो, यानी फ्रेश दांत लेनी चाहिए, घसे हुए दांत कभी नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो पहले ब्यांत के, चाहे दूसरे के, चाहे तीसरे किया, ब्यांत का मतलब नहीं, दांतों से मतलब अपना, जितने दांत अच्छे होंगे उतने ज़्यादा ब्यांत अपने पास देगी वो। कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने ब्यांत दे देती है बकरी? बकरी तकरीबन 10-12 साल बकरी ब्याती रहती है। ये खुराक पे डिपेंड करती है। तो मतलब 5 महीने बाद ब्याह जाती है ना, तो
हाँ, 5 महीने 5 दिन के बाद बकरी ब्याई जाती है। तकरीबन मान के चलो भी एक ब्यात के बीच 7 से 8 मंथ का गैप होता है, रखना जरूरी है, उससे बच्चे पलते हैं। और कितने दांत पे शुरू हो जाता है गाभिन करवाना? गाभिन सर कम से कम 4 दांत से थल्ले करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर हाइट उसकी कम रहती है। इस बकरी के देखोगे यही कारण है इसकी इतनी इतनी हाइट का, इतनी बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि इसके दांत ही अभी 4 हुए, 4 दांत पे भी ब्याई नहीं है। ठीक है, क्रॉस भी नहीं कराई हमने, हमने पासे छोड़ रखे, बकरे हमारे लागे, बकरी लागे। ठीक है, 6 दांत के आसपास जाके इसको क्रॉस कराएंगे, अभी क्रॉस नहीं करवाते इसको। तो देखिए काफ़ी शानदार क्वालिटी। पाजी एक बार अपना नंबर भी बोल दो किसी भाई ने अगर जानकारी लेनी है तो। मेरा नंबर है 9491738882 9417133882। तो ये बलविंदर जी का नंबर है, आप सीधा संपर्क कर सकते हैं इनके साथ अगर कोई डाउट भी रह रहा है। ये देखिए एक और शानदार क्वालिटी, तो इसकी क्या डिटेल रहेगी? ये दांत सर 8 दांत है, फ्रेश दांत है, 8 देख सकते हो आप, नए दांत है, अभी लगाया 8 दांत इन्होंने, बहुत अच्छी क्वालिटी है बकरी की, बेल बहुत है, लेंथ बहुत ज़्यादा की, हाइट बहुत अच्छी है बकरी। अच्छा, जो दांत जैसे घिसाने लगेगी तो एकदम से सभी दांत घिसेंगे या बीच वाले घिसेंगे कैसे? सर जो बकरियां बाहर चरती है ना, खासकर दरख्त वगैरह की छिलड़ वगैरह उतारती है, उनके दांत छेती जल्दी घस जाते हैं। जो फार्मों में पलती है बकरी, उसके दांत बहुत हौली हौली घसते हैं, इतनी जल्दी घसते ही नहीं दांत। बकरी को बुढ़ी होती नहीं, बकरी को खुराक मिलनी चाहिए। तो क्या संदेश देंगे जो नए फार्मर सोच रहे हैं बढ़िया क्वालिटी पे काम करना, क्या मैसेज है उनके लिए? हाँ सर, मैं तो सभी को यही मैसेज दूंगा भाई, ये अपनी खेती का एक निखड़मा अंग है बकरी पालन, क्योंकि पहले अपने बुजुर्ग बकरी पालते थे, आज के दौर में हमें सबको बकरी पालनी चाहिए साथ साथ में, क्योंकि आप आने वाले दिनों में नई नई प्रॉब्लम खेती में आ रही है, आप देख रहे हो भाई नए नए बिल आ रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई डेली की कमाई वाला रोजगार चाहिए, ये बकरी एक डेली की कमाई वाला रोजगार बन चुकी है अब तक। तो शुक्रिया बलविंदर जी, बढ़िया जानकारी दी, भाई साहब का नंबर मिल चुका, और भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, अगली बार फिर हम बलविंदर जी के पास पहुंच जाएंगे आपकी जानकारी हासिल करने के लिए। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।